Hello everyone, so now we are going to start with chapter number 2 of financial accounting, and this is the chapter investment accounting as per accounting standard 13. This chapter is also called as personal investment accounting as per the accounting standard 13. In the previous part we have completed the chapter of internal reconstruction. So internal reconstruction, many problems we have solved with all the varieties we have covered. So try to practice all the questions which we have solved in case of internal reconstruction. Now the chapter number 2, which we are going to start discussion about, that is investment accounting. So abhi hum investment accounting ke bare mein baat karenge ki exactly jo investment accounting hai, इसमें आपको किस टाइप के अकाउंट्स को मेंटेन करना है एंड किस टाइप से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो एक एक करके डिस्कस करेंगे अबाउट द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट. सो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है. देखो बहुत सारे डेफिनेशंस तो बुक में दिए हैं कि अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट सिंपल अगर बात में हम इन्वेस्टमेंट को समझे, सो इन्वेस्टमेंट्स इज नथिंग बट वेन एवर वी आर इन्वेस्टिंग एनी मनी वी एक्सपेक्ट सर्टन रिटर्न विच इज कॉल्ड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. हम कहीं पे भी कुछ पैसा लगाएंगे तो हमें ये उससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें उससे कितने रिटर्न्स इन फ्यूचर मिलेंगे. सो दैट इज द पॉइंट, वेन एवर वी आर इन्वेस्टिंग समवेयर, वेन एवर वी आर पुटिंग मनी समवेयर, वी एक्सपेक्ट समथिंग और द अदर एंड दैट इज नथिंग बट द रिटर्न्स विच वी आर एक्सपेक्टिंग. सो ये जो रिटर्न्स है इसको भी हम इन्वेस्टमेंट के जो बेसिस पे देख सकते हैं. अभी इन्वेस्टमेंट तो आप बहुत सारे टाइप्स में करते हो. आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हो जैसे प्रॉपर्टी में, हम बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं. तो एक्चुअली अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट्स क्या है. इन्वेस्टमेंट्स आर असेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमको इनकम मिलेगा. देखो इनकम कौन से सोर्सेस से मिल सकता है. वी कैन अर्न इनकम बाय डिविडेंड, वी कैन अर्न इनकम बाय इंटरेस्ट, वी कैन ऑल्सो अर्न इनकम बाय रेंटल्स. इफ यू हैव प्रॉपर्टी एंड यू आर रेंटिंग दैट प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिलेगा तो प्रॉपर्टी भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ. अगर हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स रखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट्स पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट्स हुआ. अगर हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो शेयर्स से हमको डिविडेंड्स मिलेंगे, वो भी आपका एक रिटर्न है तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ. तो बेसिकली फर्म का जो मेन इंटेंशन होगा वो मेन इंटेंशन क्या है, टू अर्न इनकम. अगर हम एक पर्सन की बात करें, एक इंडिविजुअल की बात करें, तो इंडिविजुअल का भी एक मेन मोटो या मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या बनता है, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको कैसे रिटर्न्स मिल सके. सो इससे हमारे कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, मतलब हमारे असेट्स की वैल्यू भी बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन, जो हमारे एंटरप्राइज को अच्छे से अच्छा बेनिफिट दे सकता है. लेकिन असेट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड जो है, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट्स. इसका मतलब अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो जो भी हमारे, जैसे अगर हमारे प्लांट एंड मशीनरी है, हमारे फर्नीचर है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन उससे हमको कुछ रिटर्न्स नहीं मिल रहा. बिकॉज हम जैसे प्रोडक्शन करेंगे उसके बाद वो प्रोडक्शन को हम मार्केट में जाके बेचेंगे तो हमें उससे रिटर्न्स मिलेंगे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू दिस इज इन्वेस्टमेंट्स आर नथिंग बट असेट्स हेल्ड फॉर अर्निंग पर्पस. सो वी आर गोइंग टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ वेरियस सोर्सेस सच एज डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल्स एंड द कैपिटल appreciation also arises related to the assets. मतलब assets का जो value है, market value है, वो भी बढ़ते जाएगा धीरे धीरे. ठीक है, अभी हम classification of investment पढ़ेंगे. So investments कितने part में divided है, फिर देखते हैं इससे related क्या क्या points है. देखो classification of investment की अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि as per accounting standard 13 investments कितने part में divided है और जनरल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो बोथ पार्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी और हम फिर ये देखेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमको किस तरीके से ध्यान देना है. सो इफ यू सी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13
या एज पर जनरल बेसिस इन्वेस्टमेंट्स तीन पार्ट में डिवाइडेड है. नंबर वन इज करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर सेकंड इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड नंबर थर्ड इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सेज दैट इन्वेस्टमेंट तीन पार्ट में डिवाइडेड होगा. नंबर वन है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर सेकंड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड नंबर थर्ड इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. इफ यू सी जनरल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. नंबर वन इज फिक्स बियरिंग सिक्योरिटीज एंड नंबर सेकेंड इज वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज. अब एक एक करके डिस्कस करेंगे. देखो करंट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, सो व्हाट डू यू मीन बाय करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब जो है वो मैनेजमेंट जो है हमारा उसका इंटेंशन या जो इंडिविजुअल है उसका इंटेंशन टू इन्वेस्ट जो है अगर वो हम देखें तो 12 मंथ से अगर कम होल्ड किया, अगर हमने इन्वेस्टमेंट लिया और 12 मंथ्स से कम होल्ड किया है या 12 मंथ से पहले ही भी उसको सेल कर दिया तो दैट इज कॉल्ड एज करंट इन्वेस्टमेंट. मतलब लेस देन 12 मंथ्स इफ वी आर इन्वेस्टिंग एंड आफ्टर इन्वेस्टमेंट विद इन 12 मंथ्स वी आर सेलिंग द इन्वेस्टमेंट्स. मतलब हमारा जो होल्डिंग है पीरियड ऑफ होल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, सो पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर लेस देन 12 मंथ्स है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा. और अगर हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो मोर देन 12 मंथ्स है तो उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी मानेंगे. और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक अलग फैक्टर हो जाएगा. सो अभी फिलहाल हम AS 13 के बेसिस पे दो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं. सो AS 13 क्या बोलता है. AS 13 इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो इस चैप्टर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. ये इसने क्या बोला कि AS 13 सेज दैट इन्वेस्टमेंट्स आर डिवाइडेड इंटू टू पॉइंट्स. नंबर वन इज एज पर AS 13 एंड नंबर सेकंड इज एज पर जनरल बेसिस. तो उसमें हमने पढ़ा करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है. करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हम 12 मंथ्स तक होल्ड करेंगे, 12 मंथ्स से पहले ही उसको बेच देंगे, दैट इज कॉल्ड एज करंट इन्वेस्टमेंट. जैसे हम अगर शेयर्स की बात करें तो कैपिटल गेन करके चैप्टर है, कैपिटल गेन में भी ऐसे होता है अगर शेयर्स आपने 12 मंथ्स के बाद बेच दिए तो दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. एंड इफ यू आर सेलिंग शेयर्स बिफोर 12 मंथ्स पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. सिमिलर पॉइंट अराइजेस ओवर हियर. सो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें तो सो करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. एंड तीसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज जनरल बेसिस के ऊपर. तो जनरल बेसिस में अगर देखा जाए तो फिक्स बियरिंग सिक्योरिटीज है और वेरिएबल बियरिंग सिक्योरिटीज है. इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस आगे करेंगे हम. तो फर्दर नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल बेसिस. So we have two types which you have already seen in the chart. Number one, fixed bearing securities की अगर बात करें तो उसमें कौन से points cover होंगे. Fixed bearing securities में क्या होता है कि जिसमें returns जो है वो fix है. जैसे debentures की बात करें, bonds की बात करें, government securities की बात करें. So if you see we have 10% debentures. तो what happens, 10% डिबेंचर्स का मतलब है कि 10% जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को देना ही पड़ेगा. सिमिलर बॉन्ड्स के साथ है, सिमिलर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ है. मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग दे हैज टू पे सर्टन फिक्स इंटरेस्ट टू दी पर्सन. सो सर्टन अमाउंट हमें पे करना जरूरी बन जाएगा, इसीलिए इसको हम फिक्स बियरिंग सिक्योरिटीज बोलेंगे. और यही हमारे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है. दिस इज फॉर अवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ओके, सो लेवल नंबर वन हमको सॉल्व करना है रिलेटेड टू फिक्स बियरिंग सिक्योरिटीज. डिबेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, बॉन्ड्स के ऊपर हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर हो सकते हैं. तीनों के लिए सॉल्विंग सेम होगा, उसमें कोई भी अलग तरीके से हम फॉर्मेट को यूज नहीं करने वाले. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी. सो व्हाट इज वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब है यहां पे जो रिटर्न्स है वो चेंज होते रहेंगे. जैसे अब अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स. देखो इक्विटी शेयर्स आर नथिंग बट दे आर दी ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल. सो उनको जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है.
डिविडेंड जो उन्हें मिलने वाला है वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। कंपनी का प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो उनको डिविडेंड के परसेंटेज भी बढ़ेंगे, कंपनी का प्रॉफिट अगर कम होगा तो डिविडेंड भी कम होगा। कंपनी को अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होता है तो आपने पढ़ा होगा एसपी में कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी और एक्स्ट्रा डिविडेंड देता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड, या फिर उनको साल में एक बार डिविडेंड मिलता है। सो ये दो टाइप के पार्ट्स है जिसको हमें प्रैक्टिकल बेसिस पे सॉल्व करना है। एंड फिक्स बियरिंग सिक्योरिटीज की बात करें और वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स आएंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखें, जैसे अभी मैंने आपको बताया करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है दे आर वैल्यूड एट कॉस्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो कॉस्ट पे वैल्यू होते हैं, लेकिन एनी परमानेंट डिक्लाइन इन दी वैल्यू इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर उसमें कोई भी परमानेंट डिक्लाइन होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है। लेकिन यही एक प्रॉब्लम बन गया इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, और इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एक वीक स्टैंडर्ड माना गया। मतलब अगर हम देखें जैसे IFRS की बात करें या इंडियन AS की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 को IFRS और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंसिडर नहीं किया गया, इसलिए उसको इंडियन AS ने रिप्लेस कर दिया, जिसमें इंडियन AS की अगर बात करें तो 107, 109 एंड 32 ये तीन स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सिंस आपके सिलेबस में है तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट अगर इंडियन AS की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए वहां अलग से स्टैंडर्ड है विच इज 107, 109 एंड 32। सो इसीलिए ये थोड़ा वीक स्टैंडर्ड माना गया है अकॉर्डिंग टू दैट। अगर हम फिक्स सिक्योरिटीज की बात करें जो हम पढ़ रहे थे, फिक्स सिक्योरिटीज में क्या होता है, फिक्स बेसिस पे पेमेंट किया जाता है, और ये फिक्स सिक्योरिटीज जो है ये एक्रुअल बेसिस पे डील करता है, दिस डील्स विद एक्रुअल बेसिस, ओके। एंड वेरिएबल जो है यहाँ पे एक्रुअल कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है। अगर हम एक्रुअल की बात करें तो एक्रुअल में क्या होता है, लोन अगर हम देखें एग्जाम्पल वहां का, लोन है, अगर हमने लोन दिया तो लोन देने के बाद क्या होगा, अगर लोन दिया मैंने आज और आज देने के बाद एक महीने के बाद पेमेंट होता है तो एक महीने तक मीटर चालू रहेगा, एक महीने तक इंटरेस्ट पेमेंट करना जरूरी है। और वही अगर हम वेरिएबल इनकम की बात करें तो वेरिएबल इनकम में क्या होता है, वेरिएबल इनकम में कैपिटल, एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, कैपिटल दिया, सो कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेरिएबल। वहां पे ऐसा कुछ नहीं, एक बार कैपिटल आपने दिया है, जैसे बिजनेस चलते जाएगा उसके बेसिस पे आपको साल में एक बार इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा ऑन द कैपिटल। सो बेसिकली अगर हम दो पॉइंट्स की बात करें तो नंबर वन इज फिक्स बियरिंग, जहां पे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कवर होंगे, और वेरिएबल इनकम में इक्विटी शेयर्स कवर होंगे। यही हमारे दो टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। आगे बढ़ते हैं, सो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड विच वी नीड टू लर्न। नंबर वन, देखो जर्नल एंट्रीज भी काफी सारे हैं, लेकिन आपको पेपर में लेजर पूछा जाता है, सो लेजर किस तरीके से सॉल्व करना है, वी विल बी स्टडिंग दैट इन मच डिटेल। नंबर वन, दिस कंसेप्ट विल कम एवरी टाइम वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वन इज एक्स इंटरेस्ट कोटेशन। देखो एक्स इंटरेस्ट, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब आप जो समझ रहे वो नहीं है, एक्स का मतलब यहां पे है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। सो वेन एवर अ सिक्योरिटी इज परचेज ऑन एनी डे After the due date, the price may either exclude or include such accrued interest. तो यहाँ पे तो थोड़ा सा explanation अगर simple तरीके से समझना है तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि कोई भी transaction, जैसे हम दो type के transaction करेंगे, एक तो purchase, एक तो sale. सो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स को परचेस करोगे तब वहां पे आपको क्लियरली स्पेसिफाई किया जाएगा कि दिस ट्रांजेक्शन इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर उस ट्रांजैक्शन में कोई भी चीज मेंशन नहीं की है तो भी वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही माना जाएगा। और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट, देखो कम का स्पेलिंग ध्यान से CUM COME नहीं लिखा है, कम का मतलब यहां होता है इट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। That means whatever transaction is provided to you, that is including interest. मतलब उसमें already interest include किया गया है। So हमको दो transaction देखने, वैसे तो इसका अगर description पढ़े तो काफी simple language में मैंने लिखा है, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा सा अलग type में मैंने समझाया। That is number one, what is X interest? X interest का मतलब होता है
एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और व्हाट इज कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और हमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चंस एक्स इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगे या कम इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगे। और अगर मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है तो उसमें हमें एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही कंसिडर करना है। सो दिस इज टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है एंड दैट वी हैव लर्न। ओके, लेट अस मूव फर्दर देन सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड दिस इंपॉर्टेंट रूल्स विच वी नीड टू लर्न। नंबर वन, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। सो वेन एवर द कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट और द डिविडेंड विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू के लिए आप एक दूसरा नाम यहां लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू। सो व्हाट वेन एवर द कंपनी इज पेइंग एनी इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एनी काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज, इट विल बी पेइंग द इंटरेस्ट ऑन द नॉमिनल वैल्यू। सिमिलरली डिविडेंड की अगर बात करें तो हमारा पहला लेवल क्या बन जाएगा, हमारा पहला लेवल बन जाएगा शेयर्स का, डिबेंचर्स का क्वेश्चन, बॉन्ड्स का क्वेश्चन या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्वेश्चन। सेकेंड हमारा लेवल बनेगा शेयर से रिलेटेड, अगर शेयर्स की बात करें तो शेयर्स पे वी आर नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट, वी आर पेइंग डिविडेंड ऑन दैट। तो हेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड पे होता है वो भी नॉमिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है, विच इज कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू। फिर नंबर थर्ड, हमें लास्ट में क्या करना पड़ता है, हमें लास्ट में वैल्यूएशन करना पड़ता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट इस चैप्टर में हम यूज करते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। इन्वेस्टमेंट शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। सो आपने क्लोजिंग स्टॉक के लिए पढ़ा होगा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, इट्स सिमिलर टू दैट। तो वॉट एवर इन्वेस्टमेंट्स वी आर गोइंग टू वैल्यू एट द एंड, दैट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। एंड वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग सेल विल बी यूजिंग द एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ द शेयर्स रिलेटेड या प्राइस ऑफ द डिबेंचर्स रिलेटेड टू द सेल वैरायटी। एट द एंड cost of each investment on hand known as carrying amount is ascertained on average basis. तो average basis पे calculate करना है, तो किस basis पे average calculation होता है वो हम practical में आपको question solve करवाऊंगा, तब उसके related points वहां पे और आपके clear हो जाएंगे। Let us move further then. ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते एक्चुअली हमें इस चैप्टर में करना क्या है, बिकॉज जितना भी आप थियोरी पढ़ो मेन तो आपका प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस है, एग्जाम में तो हमें प्रैक्टिकल चीजें पूछने वाले हैं। सो जैसे कि ये मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, ए नाम के पर्सन के पास इन्वेस्टमेंट्स है, मैंने और डिटेल इसमें नहीं लिए और डिटेल आपको क्वेश्चन में आएंगे। उसके पास 50,000 के इन्वेस्टमेंट्स है जिसका इंटरेस्ट रेट 10% है, डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1st April 2020, और इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहा है 30 जून को और 31st दिसंबर को, ठीक है। सो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे है 1st April, ओके, और यहाँ पे है 31st March, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट, दो बार कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है 30 जून एंड कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन 31st December, ठीक है। सो अभी इसके पास, मिस्टर ए के पास 50,000 के इन्वेस्टमेंट्स है जिसपे उसको 10% रिटर्न मिलेगा, मतलब कितना रिटर्न मिलेगा उसको साल का, 5,000 रिटर्न उसको साल का मिलेगा। दिस इज पर एनम, दिस इज पर एनम, दिस इज द इंटरेस्ट विच ही विल बी अर्निंग ऑन हिज इन्वेस्टमेंट्स। बट कंपनी इज डूइंग वॉट, कंपनी विल नॉट पे 5,000 पर एनम ऑन द बेसिस ऑफ पर एनम, कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयरली, दैट मीन्स 6 मंथ्स में कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करने वाला है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट अगर हम देखें तो सीधा 2,500 इधर और 2,500 इधर, ऐसा इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर ये मिस्टर ए अप्रैल में उसके पास इन्वेस्टमेंट्स है 50,000 के, फाइन, 30 जून को उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है, अभी 30 जून आएगा तब कंपनी उसको इंटरेस्ट देगा, 31 दिसंबर आएगा तो कंपनी उसको इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। व्हाट विल हैपन, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सो व्हाट विल हैपन अगर वो 1st जून को ही ये इन्वेस्टमेंट सेल करेगा,
हो सकता है जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स हम क्यों करते हैं, जब भी हमें नीड रहेगी तब हम इन्वेस्टमेंट्स को सेल करें। सो अगर उसने 1 जून को ही इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया मिस्टर बी को, अभी इन्वेस्टमेंट बी के पास गए, अब 30 जून आने के बाद बी बोलेगा 30 जून आने के बाद कंपनी को, ये इन्वेस्टमेंट्स मेरे पास है, तो कंपनी ए को इंटरेस्ट पे करेगा या बी को इंटरेस्ट पे करेगा? ट्राई टू थिंक एन आंसर। सो कंपनी विल नॉट पे टू ए, कंपनी का एक ही कंडीशन है, जिसके हाथ इन्वेस्टमेंट्स उसी को मिलेगा इंटरेस्ट। तो कंपनी इंटरेस्ट किसे पेमेंट करने वाला है? बी को पेमेंट करेगा। सो अभी तो ए का लॉस हो गया। ए का लॉस क्यों हुआ? क्योंकि ए के पास इन्वेस्टमेंट्स थे, कितने मंथ्स के लिए थे? अप्रैल के लिए ए के पास थे, मई के लिए ए के पास थे, ठीक है, अप्रैल और मई, 1 जून को उसने बेचे तो जून आई एम नॉट काउंटिंग, अप्रैल और मई 2 मंथ्स ए के पास इन्वेस्टमेंट्स थे, तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ए को मिलना चाहिए, और जो बी है उसने 1 जून को लिए, मतलब एक ही महीने का इंटरेस्ट उसे मिलना चाहिए। सो इस केस में क्या होता है, हम इंटरेस्ट का भी अलग रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जब ए बी को इन्वेस्टमेंट्स सेल करेगा तो ए बी से 2 महीने का इंटरेस्ट भी ले लेगा, ताकि ए का कोई लॉस ना हो। यही सिस्टम हमको इस पूरे चैप्टर में फॉलो करनी है। ट्रांजैक्शंस विल बी गिवन टू यू, नंबर 1 परचेजेस, नंबर 2 सेल्स। बस 2 टाइप के ट्रांजैक्शंस आपको दिए जाएंगे, किसी किसी ट्रांजैक्शन में एक्स इंटरेस्ट बोला जाएगा, किसी ट्रांजैक्शन में कम इंटरेस्ट दिया जाएगा। सो कम इंटरेस्ट दिया तो मैंने आपको बताया है, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसी बेस पे ये कंटिन्यूएशन है। अभी मिस्टर ए ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स बी को बेचे, वैसे वो खुद भी तो परचेस करेगा, तो जब वो परचेस करेगा तो उसी बेस पे रिकॉर्डिंग होगा। हमें क्या करना है, हमें एक लेजर बनाना है, और उस लेजर में हमें रिकॉर्ड रखना है कि जब ए ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, जब उसने परचेस किया तो उसका बैलेंस कितने से बढ़ा, उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जब उसने कुछ उसके इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया तो उसके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना था। ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में सीखनी है। आई होप कि आपका ये जो बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ है। सो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ डिटेल हमें पढ़ना नहीं है, ओनली सिंपल चीज़ पढ़नी है कि इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स पे जो भी रिटर्न्स हमको मिलने वाला है उसका एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग, और एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, ये 2 चीज़ें हमको इस पूरे चैप्टर में से पढ़नी है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट बेसिक विच यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट वाइल सॉल्विंग ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर काफ़ी कैलकुलेटिव है, काफ़ी सारे कैलकुलेशंस इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको कैलकुलेशन सही से करने हैं, बिकॉज थ्योरेटिकल में इससे ज़्यादा और कुछ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रैक्टिकल जो सॉल्व होगा उसमें कैलकुलेशंस काफ़ी सारे हैं। अगर इंटरेस्ट 2 महीने का है और आपने गलती से 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर लिया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए वी नीड टू कैलकुलेट दैट विद द पॉइंट्स रिलेटेड टू द इंटरेस्ट वेरी केयरफुली, सो दैट वी कैन नॉट कमिट सम सिली एरर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द क्वेश्चन। सो यही हमारा बेसिक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इस चैप्टर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, लेकिन अगर हम IFRS और इंडियन AS की बात करें तो वहां पे ये यूज नहीं होता। सो कंपनी जो है वो पे करेगा इंटरेस्ट, अगर इन्वेस्टमेंट्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स में होंगे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होंगे, और कंपनी पे करेगा डिविडेंड अगर इन्वेस्टमेंट शेयर्स में होंगे। तो यही था बेसिक रिलेटेड टू पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। आई होप आपके सारे बेसिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर होंगे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 द न्यू एडजस्टमेंट इन दिस पार्ट विल बी सेल कम इंटरेस्ट। तो आज हम सेल कम इंटरेस्ट को इस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि आपके पिछले क्वेश्चंस क्लियर होंगे, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा, तो बाकी के सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में नई बात क्या है वो देखते हैं। सो न्यू पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी हैव सेल कम इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि परचेजेस में इफ़ यू हैव एक्स इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन
तो हाउ मेनी वर्किंग नोट्स, नो वर्किंग नोट्स, ठीक है. कम इंटरेस्ट अगर आपके क्वेश्चन में है तो हाउ मेनी वर्किंग नोट्स, वन वर्किंग नोट. अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स तो काफी वर्किंग नोट प्रिपेयर करने हैं. अगर सेल्स में हमारे पास एक्स इंटरेस्ट है तो हमें प्रिपेयर करने हैं दो वर्किंग नोट. एंड इफ यू हैव कम इंटरेस्ट इन सेल वी नीड टू प्रिपेयर थ्री वर्किंग नोट्स. तो आज हम सीखेंगे कि थ्री वर्किंग नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं. तो तीन वर्किंग नोट्स काफी इंपॉर्टेंट, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा. बाकी सारी चीजें तो हमारे सिमिलर वे में चलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट का डेट देख लेते हैं. तो इंटरेस्ट का डेट अगर हम देखें तो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर. तो फर्स्ट पार्ट आई एम राइटिंग ऑन द टॉप, 30 जून एंड 31st दिसंबर वी आर पेइंग इंटरेस्ट. मतलब हमें तभी इंटरेस्ट मिलेगा, मिस्टर नितिन को इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट का एंट्री क्रेडिट साइड हो जाएगा. तो जो चीजें इजी है वो थोड़ा क्विकली सॉल्व करेंगे हम अभी. फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड में देखते हैं क्या क्या लिखना है. ओपनिंग बैलेंस, तो मिस्टर नितिन होल्ड्स 5% बॉन्ड्स ऑफ 100 ईच, फेस वैल्यू 1 लाख, कॉस्ट है हमारा 90,000. तो सबसे पहला स्टेप डेबिट साइड में जाएंगे. डेबिट साइड में डेट मैंने ऑलरेडी लिखा है. क्या लिखा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो व्हाट इज द फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट इज 1 लाख रुपीज, ठीक है. कॉस्ट कितना दिया है हमको? कॉस्ट दिया है 90,000 रुपीज. अब दोनों लिखने के बाद अगला मेथड क्या होता है हमारा? इंटरेस्ट काउंट करने का. तो चलो अभी इंटरेस्ट गिनते हैं. अप्रैल के पहले कब इंटरेस्ट मिला होगा? जून या दिसंबर? तो दिसंबर में मिला होगा. तो दिसंबर के बाद काउंट करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च. तो 3 months का इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएगा. तो 1 lakh मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 3/12. सो 3 months का इंटरेस्ट हमें काउंट करना है एंड दैट कम्स टू 1250. ओके, सो इंटरेस्ट हमने काउंट कर लिया. इट्स वेरी इजी. ओपनिंग बैलेंस वी हैव रिकॉर्डेड. अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ हमारा होता है मे. लेट अस चेक क्वेश्चन में, मे में कोई ट्रांजैक्शन है क्या? सो अगर हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो मे वी डोंट हैव एनी ट्रांजैक्शन. मे के बाद अगला मंथ जून. जून में देखते हैं कोई ट्रांजैक्शन है क्या. जून में कोई ट्रांजैक्शन अगर हम देखें ध्यान से तो परचेज का पहला ही ट्रांजैक्शन दिख रहा है. तो परचेजेस 100 यूनिट्स एट द रेट 98 एक्स इंटरेस्ट. तो एक्स इंटरेस्ट हाउ मेनी वर्किंग नोट्स? नो वर्किंग नोट. तो सीधा पोस्टिंग हम डेबिट साइड में अभी करेंगे. तो डेबिट साइड में आई एम राइटिंग टू बैंक अकाउंट, ठीक है. तो टू बैंक अकाउंट कितने यूनिट्स परचेस किए चेक कर लेते हैं. देखो 100 यूनिट्स परचेस किए, 98 का रेट है, फेस वैल्यू हमारा 100 ही होता है. 100 इंटू 100 दैट इज 10,000. फिर 100 इंटू 98 That is 9,800. अब हम गिनेंगे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट गिनेंगे ध्यान से, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज जून 1st. जून 1st के पहले कब मिला होगा? दिसंबर में ही मिला होगा. पहले जून के बाद, जून 1st के बाद 30 जून आता है तब इंटरेस्ट मिलेगा. तो जून 1st के पहले कब मिला था? दिसंबर. लेट अस काउंट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई. हाउ मेनी मंथ्स? इट्स 5 months. तो 5 months का इंटरेस्ट काउंट कर रहा हूं. तो 10,000 के ऊपर 5 months का इंटरेस्ट काउंट करना 5%. तो दैट कम्स टू 208 रुपीज. सो जून 1st इज कंप्लीट. एक्स इंटरेस्ट वेरी सिंपल, नो वर्किंग नोट. कम इंटरेस्ट रहेगा तो हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे. तो जून 1st के बाद अगला डेट कौन सा आएगा? जून 30. जून 30 को हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है क्रेडिट साइड. सो आई एम राइटिंग ओवर हियर बाय बैंक अकाउंट. व्हाट वाज द रूल? फेस वैल्यू डैश कॉस्ट डैश इंटरेस्ट वी आर रिसीविंग ऑन द इन्वेस्टमेंट्स व्हिच वी आर होल्डिंग ऑन 31st जून. तो जितने भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास 30 जून तक है, 1 लाख और 10,000, कितना होता है टोटल? दैट विल बी 1,10,000. तो यहाँ पे लिखेंगे 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12. साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो 6/12 ही हमको कंसिडर करना है. सो इंटरेस्ट विल बी 2750. सो इंटरेस्ट का वैल्यू हमें मिल चुका है. फर्दर आगे बढ़ेंगे जून के बाद. नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है? जुलाई. देखते हैं जुलाई, डू वी हैव एनी ट्रांजैक्शन इन द क्वेश्चन. सो जुलाई वी आर नॉट हैविंग. लेट अस मूव फर्दर. जुलाई के बाद ऑगस्ट, नो ट्रांजैक्शन. सितंबर, नो ट्रांजैक्शन. अक्टूबर, देयर इज अ ट्रांजैक्शन. सो अक्टूबर में सेल है.
अब जब कभी भी आपके सामने सेल आएगा तो पहला क्वेश्चन है कि एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट, तो इट्स एक्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेल में एक्स इंटरेस्ट रहा तो हाउ मेनी वर्किंग नोट्स, टू वर्किंग नोट्स वी हैव टू प्रिपेयर। तो पहले दो वर्किंग नोट्स बनाएंगे फिर ही पोस्टिंग करेंगे। ध्यान रखना मोस्ट ऑफ यू कमिट सिली मिस्टेक्स, क्या करते हैं सेल देखते हैं क्रेडिट साइड में एंट्री कर देते हैं, फिर गलत हो जाएगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो वर्किंग नोट्स हमें प्रिपेयर करने हैं। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने सीखा था पहला वर्किंग नोट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का, दूसरा वर्किंग नोट प्रॉफिट एंड लॉस का। तो फिलहाल सबसे पहले ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू और कॉस्ट। क्या करना है यहां से शुरू करेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस जो हमारे डेबिट साइड में, दैट आई एम राइटिंग 1 लाख एंड कॉस्ट वॉज 90,000। फाइन, उसके बाद एड परचेजेस। तो परचेजेस कितना था, हमने कितना परचेस किया 10,000 एंड 9,800। फाइन, फिर टोटल करना पड़ेगा, फिर बैलेंस देखेंगे। तो टोटल कर लेंगे इसको, सो दैट विल बी योर टोटल, दिस विल बी योर बैलेंस। तो टोटल आएगा 1,10,000 ओवर हियर एंड कॉस्ट कॉलम में विल बी गेटिंग 99,800। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है हमने वही लिखा, ओपनिंग बैलेंस लिखा फिर परचेज लिखा, उसके बाद हम अभी सेल करने वाले। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेस सेल। लेट अस चेक द क्वेश्चन नाउ, कितने यूनिट सेल हो रहा है। फर्स्ट अक्टूबर 150 यूनिट्स वी आर सेलिंग। तो 150 यूनिट्स है, हमारा फेस वैल्यू क्या है 100। तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट कम्स टू 15,000। ओके, अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हमने पहले भी सीखा था, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 99,800 डिवाइडेड बाय 1,10,000। तो 15,000 को 99,800 से मल्टीप्लाई करना है, 1,10,000 से आपको डिवाइड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 13,609। दिस इज द एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट बोल सकते हैं हम इसको। ये हमको आंसर मिला, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी से हम कैलकुलेशंस करेंगे आगे के। तो अभी आंसर मिलेगा बैलेंस। तो फेस वैल्यू इट विल बी 95,000 एंड कॉस्ट का आंसर आ जाएगा 86,191। तो इतना मिलने के बाद इसके नीचे कुछ लिखना नहीं है फिलहाल, आगे के परचेजेस भी आएंगे। अभी हम प्रिपेयर करेंगे हमारा नेक्स्ट वर्किंग नोट प्रॉफिट एंड लॉस का। सो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितना था हमारा 13609। सेलिंग प्राइस कितना है क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ 150 यूनिट सेल किया है 98 के रेट से। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर 150 मल्टीप्लाइड बाय 98। तो 150 अगर आप 98 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 14,700। सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट, सो वी आर गेटिंग प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट है 1091, दिस इज योर प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का पोस्टिंग करेंगे, ये कॉस्ट को कोई भी जगह पे नहीं लिखना है, और प्रॉफिट का पोस्टिंग करेंगे। अब ध्यान से समझना किस तरीके से इसका पोस्टिंग मैं कर रहा हूं। तो कम टू द क्रेडिट साइड, डेट इज अक्टूबर 1st। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट कितना सेल किया एक बार चेक कर लेना, 15,000 हमारा सेल है। सो फेस वैल्यू में आई एम राइटिंग 15,000। कॉस्ट में ध्यान रखना सेलिंग प्राइस लिखना है, तो सेलिंग प्राइस इज 14,700। अभी हम गिनेंगे इंटरेस्ट, ध्यान से देखो अक्टूबर 1st, अक्टूबर 1st के पहले कब इंटरेस्ट मिला था, तो 30 जून को इंटरेस्ट मिला था। जून के बाद काउंट करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3 months का इंटरेस्ट वी विल बी काउंटिंग। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, तो 3 months इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू गेट। तो 3 months का इंटरेस्ट आता है 188 rupees। तो 188 इज द इंटरेस्ट। अक्टूबर 1st को हमने सेल किया था, तब हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। अब भी हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया, तो प्रॉफिट कहां पोस्टिंग करते हैं, डेबिट साइड। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फेस वैल्यू डैश इंटरेस्ट डैश और कॉस्ट कॉलम में पोस्ट कर रहा हूं। सो कॉस्ट कॉलम में हमारा प्रॉफिट आएगा 1091, सो दैट इज द प्रॉफिट। इफ इट इज अ लॉस, लॉस भी हम पोस्ट करते हैं क्रेडिट साइड में, लेकिन कॉस्ट कॉलम में ही पोस्ट होगा। अक्टूबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते एक बार, नवंबर, डू वी हैव एनी ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ नवंबर, यस वी आर हैविंग। परचेजेस कम इंटरेस्ट, तो कम इंटरेस्ट परचेज दिया है
वन वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है, ये हमने पहले सीख लिया था, एक बार फिर से बनाएंगे वन वर्किंग नोट. क्या है वर्किंग नोट? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट. ठीक है, वर्डिंग्स प्राइस पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो प्राइस पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कितने परचेस किए? 200 परचेस किए. कौन से रेट में परचेस किए? 97 में परचेस किए. एक बार चेक कर लेते हैं. देखो परचेजेस 200 यूनिट्स एट द रेट 97, कम इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट है इसीलिए एक वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर रहा हूं, देन हम यहां पे फॉर्मेट में लिखेंगे. तो अभी इसका पोस्टिंग 200 इंटू 97 दैट कम्स टू 19,400. ठीक है, तो ये कब का परचेस है एक बार डेट लिखना है अपने को, क्योंकि डेट से ही हम इंटरेस्ट काउंट करेंगे. इट्स ऑफ नवंबर, सो यहां पे मैं डेट लिख लेता हूं. दैट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. नवंबर 1st. नेक्स्ट लाइन में लेस इंटरेस्ट. अभी इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. तो देखो 200 यूनिट्स थे इनटू हमारा फेस वैल्यू क्या है 100, तो कितना आएगा 20,000. फाइन, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय, देखो नवंबर के पहले कब इंटरेस्ट मिला था? जून में मिला था. अभी काउंट करते हैं जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर. तो हाउ मेनी मंथ्स? 4 months. तो 4 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो वो हम माइनस करेंगे तो कुछ और फिगर आता है, पॉइंट में आता है. तो 333 हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा. माइनस करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज कॉस्ट. दैट विल बी 19,067. दिस इज द कॉस्ट, दिस वी आर गोइंग टू राइट इन द क्वेश्चन. दिस इज द इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट अभी हमको फिर से गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अभी डेबिट साइड में आता हूँ. डेबिट साइड में डेट डालेंगे नवंबर 1st का. तो परचेस है इसलिए डेबिट साइड क्या लिखना है? टू बैंक अकाउंट. फेस वैल्यू कितना परचेस किया है? 20,000. ठीक है, कॉस्ट में कितना लिखेंगे? देखो कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया, वही कॉस्ट लिखना है 19,067. तो आई एम राइटिंग ओवर हियर 19,067. और इंटरेस्ट भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, वही हमको यहाँ लिखना है 333. ठीक है, इतना होने के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप सिली मिस्टेक करोगे, एग्जाम में भी गलती हो जाएगी. जितने भी पॉइंट्स हम हमारे क्वेश्चन में फॉर्मेट में लिखेंगे वो सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे आने चाहिए. तो इसलिए यहाँ पे अभी हमको ऐड करना है परचेस, जो अभी हमने नवंबर में परचेस किया. कितना हमारा परचेस है? इट्स 20,000 और उसका कॉस्ट कितना था? 19,067. इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें बैलेंस मिल जाएगा. बैलेंस, तो यहाँ पे बैलेंस लिख रहा हूं. तो बैलेंस 95,000 प्लस 20,000 दैट विल बी 1,15,000. 86,191 प्लस 19,067 दैट इज 1,05,258. तो ये एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर इन अ हरी टू सॉल्व द क्वेश्चन और ये चीज हम भूल जाएंगे, फिर आगे का पॉइंट गलत हो सकता है. चलो तो आगे बढ़ते हैं. नवंबर के बाद अगला मंथ दिसंबर. अब दिसंबर में ध्यान से देखना, यही नया पॉइंट इस क्वेश्चन का है. दैट इज द हाईएस्ट लेवल 3 वर्किंग नोट्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. 1st December 2019, 100 यूनिट्स एट द रेट 97, कम इंटरेस्ट. तो कम इंटरेस्ट है तो हाउ मेनी वर्किंग नोट्स? 3 वर्किंग नोट्स वी हैव टू प्रिपेयर. देखो ध्यान से सीखते, अभी 3 वर्किंग नोट्स कौन से है? तो 3 में से 2 वर्किंग नोट्स तो हमारे सेम है. देखो एक वर्किंग नोट हमने यहाँ पे सेल का किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक प्रॉफिट एंड लॉस का. एक नया वर्किंग नोट अभी मैं आपको बना के बताता हूँ. तो सेल के लिए कब सेल हो रहा है? यहाँ पे सेल लिखेंगे, दिसंबर 1st को सेल हो रहा है. फाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. जैसे हमने परचेजेस में कॉस्ट लिखा वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. वर्डिंग है प्राइस received. पहले क्या था लिखा? प्राइस पेड. सो प्राइस रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, दैट इज द पॉइंट विच विल बी राइटिंग. देखते क्वेश्चन में, दिसंबर 1st को 100 यूनिट्स कौन से रेट में? 97 के रेट में. तो यहाँ पे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 97, तो दैट कम्स टू 9,700. ठीक है, लेस इंटरेस्ट. अभी इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है फेस वैल्यू पे. हमारा फेस वैल्यू कितना है? 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू इज 100, सो दैट विल बी 10,000. सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय दिसंबर 1st के पहले इंटरेस्ट कब मिला था? जून में. तो
तो काउंट करते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो कितने मंथ्स हुए हमारे, 5 मंथ्स हुए, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम काउंट करेंगे। तो नवंबर के बाद हमारा अगला मंथ है दिसंबर, तो अगर हम दिसंबर की बात करें तो देखो दिसंबर में यहाँ पे ट्रांजैक्शन तो नहीं है, लेकिन दिसंबर हमारा इंटरेस्ट का डेट है, तो अभी हम इंटरेस्ट काउंट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्रेडिट साइड में लिखना है हमें, क्या लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में, विल बी राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, फेस वैल्यू में डैश, कॉस्ट में डैश, इंटरेस्ट गिनेंगे। देखो इंटरेस्ट गिनने का शॉर्टकट है, अभी हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितने इन हैंड है, 1,15,000, सो 1,15,000 पे सीधा कैलकुलेट करते हैं, 1,15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो 6 महीने का हमारा गैप था इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी 2,875 रुपीज। ओके, सो दिसंबर हो चुका है, दिसंबर में के बाद अगला मंथ है हमारा जनवरी, लेट अस चेक जनवरी में कोई ट्रांजैक्शन, नो, जनवरी के बाद अगर देखें तो अगला मंथ है हमारा फरवरी, फरवरी में हमारे पास सेल है कम इंटरेस्ट, तो फरवरी में सेल कम इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, 3 वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो पहला वर्किंग नोट है आपका कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, यहाँ पे डेट लिखेंगे फरवरी 1, ठीक है, तो क्या लिखना है वर्डिंग ध्यान से, प्राइस रिसीव्ड Including interest. So price received including interest. How much we are selling? We are selling 100 units. क्या रेट था? 97 रेट था. So 100 into 97, 9,700. फिर next line में less interest. Interest हमेशा face value पे होता है. तो 100 multiplied by 100, that will be your 10,000. So 10,000 multiplied by 5% multiplied by, देखो फरवरी के पहले कब इंटरेस्ट मिला था, तो दिसंबर में मिला था, दिसंबर के बाद काउंट करते हैं जनवरी, तो 1 महीना ही इंटरेस्ट होगा, सो 10,000 पे 5% 1 मंथ का काउंट करेंगे, इंटरेस्ट विल बी 42 रुपीज, माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सिमिलर वर्किंग नोट वी हैव प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ द परचेस रिलेटेड कम इंटरेस्ट, लेकिन वहां पे देखो यहाँ पे ऊपर मैंने कॉस्ट नाम दिया है, यहाँ पे हम इसको सेलिंग प्राइस नाम देंगे, कितना वैल्यू मिल जाएगा माइनस करके, 9,658 रुपीज, तो 9,658 इज योर सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे सेकंड वर्किंग नोट में जाएंगे, देखो ये फर्स्ट वर्किंग नोट था, सेकंड वर्किंग नोट यहाँ पे लिखेंगे हम लेस सेल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ध्यान से, जैसे कि हमने पहले किया था उसी बेस पे कर रहा हूं, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000, आफ्टर राइटिंग दिस 10,000 क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, so this 10,000 multiplied by 1,05,258 divided by 1,15,000, तो आपको cross multiplied figure आ जाएगी, that will be 9,153, so 9,153 is our value, तो अभी हम minus करेंगे और balance ढूंढेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा balance, first में आएगा 1,05,000, that is the face value, और cost में हमें मिलेगा 96,105 रुपीज, तो दैट इज द फाइनल वैल्यू। उसके बाद हमारा वर्किंग नोट कौन सा होता है, प्रॉफिट लॉस, देखो 3 वर्किंग नोट्स मैंने आपको बताया, सो वी आर प्रिपेयरिंग 3, नंबर 1 हमने प्रिपेयर किया सेलिंग प्राइस का, नंबर 2 ये क्रॉस मल्टीप्लाइड से 9,153 वैल्यू ढूंढा, अब हम ढूंढेंगे प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस देखते हैं क्या आता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितना मिला 9,153, जो अभी आपको ये मिला यही वैल्यू मैंने लिखा, सेलिंग प्राइस देखते हैं, सेलिंग प्राइस आपके कैलकुलेशन में हमने लास्ट में अभी कैलकुलेट किया 9,658, तो सेलिंग प्राइस यहाँ लिखता हूँ 9,658, माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा, एंड अगेन वी आर गेटिंग प्रॉफिट, सो फिलहाल प्रॉफिट आ रहा है 505 रुपीज का प्रॉफिट, 505 रुपए का प्रॉफिट है। तो चलो अभी इसका पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्रेडिट साइड में जा रहा हूँ, सो क्रेडिट साइड आई एम राइटिंग बाय बैंक अकाउंट, जो डेट है वो डेट मैंने लिख दिया है, बाय बैंक अकाउंट कितना लिखूँ, 10,000 हमारा फेस वैल्यू है, ठीक है, ये सभी चीजें हमने यहाँ कैलकुलेट की है, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 9,658, तो आई एम राइटिंग ओवर हियर 9,658, और हमारा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट भी हमने काउंट किया था, तो इंटरेस्ट था हमारा 42 रुपीज, तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे हम 42 लिख देंगे।
प्रॉफिट था कि लॉस था, सो अगेन देयर वाज अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं डेबिट साइड में, तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान से कितना वैल्यू है, द प्रॉफिट एंड लॉस इधर डैश, यहाँ पे भी डैश, कॉस्ट कॉलम 505 rupees. आई होप कि इतना आपको क्लियर रहेगा, इसी के बेस पे हमने कैलकुलेशन सीखा था, तो यही कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर कम इंटरेस्ट. तो हाउ मेनी वर्किंग नोट्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इन कम इंटरेस्ट, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर 3 वर्किंग नोट्स इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट. नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लाइड वर्किंग नोट, एंड नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग नोट. तो इतना होने के बाद अगला स्टेप होता है हमारा क्लोज करना लेजर को. तो फेस वैल्यू के डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ, तो फेस वैल्यू के डेबिट साइड का टोटल 1,20,000 + 10, दैट विल बी 1,30,000. तो 1,30,000 आई एम राइटिंग ऑन बोथ द साइड्स, 1,30,000 यहाँ पे भी आएगा आपका 1,30,000. इस 1,30,000 में से अगर आप दोनों माइनस करोगे 10,000 और 15,000, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 1,05,000. क्या वर्डिंग लिखना है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन. सिमिलर वे कॉस्ट का भी कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट का टोटल आता है 1,20,463. तो यहाँ पे हम दोनों साइड लिखेंगे 1,20,463. इसमें से ये सभी चीजें माइनस करेंगे, सो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे भी मिलेगा, दैट विल बी 96,105 rupees. एक बार चेक कर लेते हैं, देखो यही हमें बैलेंसिंग फिगर मिलना चाहिए, तो जो बैलेंस हमें यहाँ पे आया 1,05,096,105, यही हमें यहाँ पे भी मिला है 1,05,096,105. अभी इस पे भी कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो ओपनिंग बैलेंस पे कितने मंथ्स का था, 3 months, तो इस पे भी 3 months, 1,05,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 3/12. तो 3 months का इंटरेस्ट वी आर काउंटिंग, एंड द 3 months इंटरेस्ट कम्स टू 1,313. सो यहाँ पे आएगा 1,313. अभी आपको इंटरेस्ट कॉलम का टोटल करना है, 2,750 प्लस 188 प्लस 2,875 प्लस 42 प्लस 1,313. तो दैट कम्स टू 7,168. तो यहाँ पे भी आएगा 7,168. 7,168 में से 1,250, 208 और 333 माइनस करना है, तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर देखने मिलेगा, एंड द बैलेंसिंग फिगर इज 5,377. दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. तो आई होप कि आपका एक क्वेश्चन क्लियर है, यही लेवल है इस चैप्टर का. एक नंबर 1 बॉन्ड्स डिबेंचर्स में आएगा, इसमें एक वैरायटी अभी पेंडिंग है, हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, दैट इज मार्केट वैल्यू गिवन, बाकी सारी चीजें सिमिलर पैटर्न में आएगी. अभी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम, एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो. सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चंस, जो यूनिवर्सिटी में नवंबर 2022 के पेपर में पूछा गया था. तो 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेमिस्टर 5 का जो एग्जाम आपका हुआ होगा, और उसमें ये क्वेश्चंस ने बहुत लोगों को कंफ्यूज कर दिया था. द रीज़न बिहाइंड द कंफ्यूजन वॉज कि इस क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन जो अभी हम देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के 4 dates दिए थे. तो इंटरेस्ट के 4 dates आपके क्वेश्चन में थे. अगर ये इंटरेस्ट के 4 dates है, तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज थे. तो इसके बेसिस पे ये जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, ये जो भी पॉइंट्स अभी हम देखेंगे, उसमें 4 interest के dates रहेंगे, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैं आपको अभी इस क्वेश्चन में बताऊंगा. इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे, पूरा प्लेलिस्ट में अपडेटेड है. अगर आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम लगता है, तो आप सारे वीडियोस को रेफ़र करें, 20 marks का क्वेश्चन आएगा. जिनको भी सेमिस्टर 5 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में KT है, ये चैप्टर काफ़ी इजी है. अगर आप इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं. ऑन 1 June 2021, मिस्टर अभय कुमार परचेज नॉमिनल वैल्यू ₹1,00,000. तो फेस वैल्यू डायरेक्टली हमको दे दिया है ₹1,00,000. 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, और यही से कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ. इंटरेस्ट पेएबल ऑन 1 April, 1 July, 1 October, 1 January. तो हमारे पास 4 dates है. इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस आए थे, उसमें 2 ही dates थे. तो अभी हमारे पास पहला डेट है 1 April,
उसके बाद डेट है 1 जुलाई, उसके बाद डेट है 1 अक्टूबर एंड उसके बाद डेट है 1 जनवरी। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया था, लेकिन जैसे ही इसमें 4 डेट्स आए वैसे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। तो ध्यान से बने रहे, आप भी मेरे साथ फॉर्मेट ड्रॉ कर ले, वीडियो को पॉज कर ले, फॉर्मेट को ड्रॉ कर ले, और फॉर्मेट को ड्रॉ करने के बाद हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर लेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 1 नवंबर को हमने सोल्ड कर दिया है कम इंटरेस्ट, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी पता होगी। अगर सोल्ड कम इंटरेस्ट है तो हम 3 वर्किंग नोट्स बनाते हैं, अगर परचेज में कम इंटरेस्ट है तो हम 2 वर्किंग नोट्स बनाते हैं, तो वी विल प्रिपेयर दैट ऑल्सो। 1 दिसंबर को हमने क्या किया है, 10,000 के बॉन्ड्स है या ये भी सोल्ड किए हैं 100 रुपीज़ के एक्स इंटरेस्ट में, और 31 मार्च को आपका मार्केट प्राइस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग, काफ़ी इजी पार्ट है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं नहीं इसमें, लेकिन फिर भी बच्चे इससे रिलेटेड कंफ्यूज हो गए थे। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है क्या, देखते हैं। ऑन 1 जून 2021 मिस्टर अभय कुमार परचेज, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है, अभय कुमार ने परचेज किया था 91 के रेट में, कम इंटरेस्ट का पॉइंट है। तो हम लोग पहले यहाँ पे डेट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, काफ़ी सिंपल है, वर्किंग नोट भी बनाएंगे। फेस वैल्यू कॉलम में हम लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। वर्किंग नोट एक बनाना पड़ेगा हमें, बिकॉज यहाँ पे कम इंटरेस्ट का डेटा दिया है। तो चलो फर्स्ट वर्किंग नोट बना लेते हैं, पहला वर्किंग नोट काफ़ी इजी है। फर्स्ट वर्किंग नोट किसका होगा, फर्स्ट वर्किंग नोट होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट का, परचेस किया है इसीलिए। वर्डिंग क्या रहेगा, प्राइस पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, प्राइस पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कितने वैल्यूज थे हमारे पास, 1 लाख का वैल्यू था, और आपको रेट कितना दिया है, 91 दिया है, तो 91%, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 100, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 91, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो आंसर आएगा 91,000। इसमें से हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को माइनस करना है। ये कौन सा डेट था, 1 जून का डेट था, तो 1 जून में यहाँ पर डाल देता हूँ 1 जून। इंटरेस्ट अभी कैसे करेंगे, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6% का इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय, देखो आपके पास 4 डेट्स दिए थे 1 जून के पहले, 1 जून के पहले कौन सा डेट दिया था एक बार देख लेते हैं। देखो हमारे पास 4 डेट्स थे, अप्रैल जुलाई अक्टूबर। तो अप्रैल इसके पहले क्या आता है, अप्रैल आता है, बराबर। अप्रैल मई कितने मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा 1000। तो ये आप अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 90,000, एंड दिस 90,000 इज योर कॉस्ट। तो अभी हम प्रेजेंट करने वाले हैं, ऊपर जाते हैं, सीधा प्रेजेंट करते हैं एंड वैल्यू को लिखते हैं। तो हमने कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया, इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट कर लिया 1000, और कॉस्ट कॉलम में हम लिखेंगे 90,000। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, हमने लिख दिया, जून का एंट्री कर दिया है, ठीक है। जून के बाद एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं ताकि आपको पता चले, ज़्यादा ट्रांजेक्शन है नहीं इसमें, 2 डायरेक्टली सोल्ड के ट्रांजेक्शन दिए हैं, लेकिन हमको इंटरेस्ट की एंट्रीज करते जाना है, ठीक है। हमको इंटरेस्ट की एंट्री भी करते जाना है, बिकॉज इंटरेस्ट अप्रैल में भी पेमेंट होगा, जुलाई में होगा, अक्टूबर में होगा, और जनवरी में होगा। तो जून के बाद अगला मंथ आएगा हमारा जुलाई, चलो इसमें हम अभी क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे बाय बैंक अकाउंट। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था पेपर में, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। फेस वैल्यू में डैश, कॉस्ट में डैश, इंटरेस्ट गिनते हैं, डेबिट साइड में एक ही अमाउंट है हमारे पास 1 लाख, तो कैसे करेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय, जुलाई के पहले कब इंटरेस्ट मिला था, अप्रैल, तो अप्रैल से गिनो आप, अप्रैल फर्स्ट है, अप्रैल मई और जून, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/12, तो आपको ये इंटरेस्ट आ जाएगा 1500। ये हो गया हमारा जुलाई का एंट्री। जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त,
अगस्त में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, सितंबर में कोई नहीं, अक्टूबर में ट्रांजैक्शन, अक्टूबर में फिर से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, इसमें कितने मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, अभी देखो कैसे फिर से 1 लाख ही है हमारे पास, 1 लाख है अभी, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, जुलाई, तो जुलाई से गिनो, जुलाई अगस्त सितंबर, तो कितने मंथ्स हुए, 3 मंथ्स, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 मंथ्स का इंटरेस्ट गिनेंगे, तो 1 लाख पे ही आएगा 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा, 1500। काफ़ी सिंपल तो था, क्या डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन में, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, लेकिन क्या है, आपने वो उस टाइप का क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन लगता है। अक्टूबर के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नवंबर, अभी नवंबर में एक ट्रांजैक्शन है आपके क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं नवंबर में एक ट्रांजैक्शन दिया था, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो नवंबर में ट्रांजैक्शन दिया था, यहाँ पे सोल्ड का ट्रांजैक्शन है, 93 कम इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है, तो 3 वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, तो चलो पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, देन वी कैन मूव फर्दर, तो लेट अस स्टार्ट। तो पहले हम लोग पहला वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, बहुत सिंपल, जैसा ये ऊपर लिखा वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे आपको लिखना है प्राइस रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो प्राइस रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कितने डिबेंचर्स हमने सोल्ड किए थे या बॉन्ड सोल्ड किए थे, 20,000, और कौन से रेट में सोल्ड किए थे, 93, तो मैं डायरेक्टली अमाउंट लेके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 93% के साथ, तो आपको आंसर आ जाएगा 18,600, इसमें से अभी हम इंटरेस्ट को माइनस करने वाले हैं, तो ये आपका फर्स्ट नवंबर का है, नवंबर के पहले कब इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया था, तो अक्टूबर में आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया था, बराबर, अक्टूबर और नवंबर, मतलब अक्टूबर एक है, तो अक्टूबर एक से नवंबर एक 1 मंथ, तो हमको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करना है, 1 मंथ का, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1/12, तो आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा, इधर 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा, 100, तो ये कितना मिलेगा आंसर, 18,500, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। कितने वर्किंग नोट्स बनाने हैं हमको, 3 वर्किंग नोट्स बनाने हैं, दिस इज द फर्स्ट वर्किंग नोट। सेकंड वर्किंग नोट हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट का वर्किंग नोट बहुत सिंपल है, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम फेस वैल्यू, तीसरा कॉलम कॉस्ट, बहुत ही सिंपल वर्किंग नोट है। सबसे पहले हम लोग इसमें शुरू करते हैं ओपनिंग बैलेंस से, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है नहीं, इसके बाद हमको लिखना है ऐड परचेस, तो आपने परचेस किया था, कितना परचेस किया था, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, जिसका कॉस्ट आपने कितना लिखा था, 90,000 लिखा था, मैंने डेबिट साइड से लिखा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो ये आ गया आपको बैलेंस, ये बैलेंस आ गया, कितना आया बैलेंस, 1 लाख, और यहाँ पे आ गया आपको 90,000, ठीक है। फिर लेस सेल, कितना सेल किया हमने, फेस वैल्यू 20,000, और कॉस्ट को कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, 20,000 इंटू 90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा 18,000, दिस इज योर कॉस्ट, 1 लाख में से 20,000 गया, यहाँ पे आ जाएगा 80,000, दैट इज योर बैलेंस, और 90,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 72,000। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है, इसके नीचे अभी ये जगह रखेंगे बिकॉज यहाँ पे और वर्किंग नोट आएगा। फिर हमारा वर्किंग नोट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, बराबर, नवंबर में हमने जो सेल किया उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, कितना सिंपल है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अभी हमने ढूंढा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना था सेलिंग प्राइस, 18,500 का सेलिंग प्राइस, इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट, कॉस्ट कहाँ से लाएगा, देखो ये कॉस्ट अभी ढूंढा है 18,000, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट आ गया 18,000, तो सेलिंग प्राइस 18,500 है, कॉस्ट 18,000 है, इसका मतलब आपको नवंबर वाले जो सेल है उस पे ऊपर प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अभी हम एंट्री करेंगे, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट 100 है इधर, सेलिंग प्राइस 18,500 है, तो इसको लिखने का किधर, इसको लिखने का क्रेडिट साइड में, बिकॉज हम अभी बेच रहे हैं, तो कौन से डेट को हमने बेचा है, नवंबर फर्स्ट को हमने बेचा है, तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे, नवंबर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी डाला है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है।
कितने का सेल किया था आपने, 20,000 का सेल किया था, इंटरेस्ट कितना था आपका 100, और इधर कॉस्ट में हमेशा याद रखना सेलिंग प्राइस लिखना है। तो व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वॉज 18,500। प्रॉफिट था कि लॉस था, अब भी हमने ढूंढा प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड आएगा। तो नवंबर 1st मैंने डेट ऑलरेडी डाला है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फेस वैल्यू में डैश, इंटरेस्ट में डैश, कॉस्ट में ₹500 का हमको प्रॉफिट हुआ। दैट एंड्स द कैलकुलेशन। आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। नवंबर के बाद अगला जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सा होगा, नवंबर के बाद अगला जो ट्रांजैक्शन है वो दिसंबर का होगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 1st दिसंबर को 10,000 का सोल्ड किया है ₹100 में, एक्स इंटरेस्ट में बेचा है। एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, एक्स इंटरेस्ट में रहेगा तो हमको क्या है, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट लॉस की एंट्री पहले कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस ढूंढ लेते हैं फिर पोस्टिंग करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सीधा सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस सेल, कितना सेल कर रहे हैं हम, 10,000 का सेल कर रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 72,000 डिवाइडेड बाय 80,000, तो आपको इसका कॉस्ट मिल जाएगा, इसका कॉस्ट आपको मिलेगा 9,000। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, 80 माइनस 10 विल बी 70,000, तो 70,000 इसका आंसर मिल गया, और 72 में से 9 माइनस करेंगे, 72,000 में से आपको 9,000 जो है वो माइनस करना है, तो यू विल बी गेटिंग द आंसर ओवर हियर एज 63,000। अभी इसका प्रॉफिट लॉस भी ढूंढते हैं, प्रॉफिट लॉस इसका कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, लेट अस कैलकुलेट। तो सेलिंग प्राइस, अभी सेलिंग प्राइस कहाँ से आएगा, क्वेश्चन में हमारे पास था 10,000 डिबेंचर्स बेचे हमने 100 में, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज, तो इसका आंसर आ जाएगा, 10,000 इंटू 100 करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर ओनली 10,000, बराबर, काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है। कॉस्ट कितना रहेगा, कॉस्ट है हमारा 9,000, तो 10,000 में से 9,000 गया, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, कितने का प्रॉफिट कमाया है, 1,000 का प्रॉफिट कमाया है, तो ये कितने का प्रॉफिट है, 1,000 का प्रॉफिट है। तो चलो अभी पोस्टिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं, पोस्टिंग कहाँ पे करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे पोस्टिंग, लेट अस डू द पोस्टिंग नाउ। सो डेट डालेंगे पहले क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आता हूँ मैं डायरेक्टली, क्रेडिट साइड में डेट डालते हैं, क्रेडिट साइड में हम डेट डालते हैं बाय बैंक अकाउंट, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था, बाय बैंक अकाउंट, कितना सेल किया, फेस वैल्यू 10,000 का था, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कितना किया था, कैलकुलेट पहले कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस भी आपका 10,000 है, दिसंबर के पहले इंटरेस्ट कब मिला था, तो दिसंबर के पहले इंटरेस्ट देखो कब मिला है, डेट्स है हमारे पास यहाँ पे, दिसंबर के पहले कब मिला होगा, अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा, तो दो महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, 2 महीने का इंटरेस्ट, सो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारा आएगा 100, तो यहाँ पे 100 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, दिसंबर में प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था, तो दिसंबर में भी हमें प्रॉफिट हुआ था 1,000 का, तो यहाँ पे हम डेबिट साइड जाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, अभी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया 1,000 का, तो यहाँ पे हमारा 1,000 का प्रॉफिट आ चुका है। फिर अगले बार क्या होगा ट्रांजेक्शन, अभी हमारा इंटरेस्ट का डेट आ रहा है, आप देखो अभी इंटरेस्ट का डेट, हमारे क्वेश्चन में 4 इंटरेस्ट के डेट्स थे, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, अभी 1 जनवरी इंटरेस्ट आ रहा है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, तो क्या करेंगे, अभी प्रॉब्लम अराइज होगा तो सबसे पहले देखो आप, यहाँ पे हमारे पास जो इंटरेस्ट है यहाँ पे बैलेंस आया है 70,000, ठीक है, 70,000 पे हम लोग इंटरेस्ट ढूंढेंगे, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, अभी हम जनवरी में कर रहे हैं, उसके पहले कब मिला था, अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना, 3 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितना मंथ्स है, 3 मंथ्स है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 70,000 पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स के लिए, तो आपको आंसर आ जाएगा 1050,
तो 1050 अभी हम इंटरेस्ट की पोस्टिंग करते हैं और कहाँ पे लिखना है वो आपको बताता हूँ। डेट वाइज जा रहा हूँ, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, वी आर गोइंग डेट वाइज। सो यहाँ पे हमको जनवरी में जाना है, यहाँ पे हमको लिखना है बाय बैंक अकाउंट फेस वैल्यू में डैश, कॉस्ट में डैश, इंटरेस्ट अभी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया एंड दैट इज 1050। दैट इज द सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू भी दिया था, तो मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है, हमने मार्केट वैल्यू चेक किया था। तो इफ़ वी चेक द क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू दिया है 80 रुपीज़ का। तो अभी मार्केट वैल्यू का क्या करना है वो भी करवा देता हूँ। तो ध्यान से, मार्केट वैल्यू का कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेट अस सी मार्केट वैल्यू आता किधर है। तो यहाँ पे बैलेंस में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू, देखो यहाँ पे डैश देंगे, बहुत ही सिंपल, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 80 का मार्केट वैल्यू दिया है, तो 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 80% आपको करना है। तो 70,000 का 80% ढूंढ लेना है, तो कितना आंसर आएगा, 56,000 आएगा। तो यहाँ पे 56,000 आएगा। तो अभी रूल क्या कहता है कि जो भी कॉस्ट की वैल्यू आई 63,000 और ये 56,000, इसमें से जो भी लोअर वैल्यू है वो लेना है। तो लोअर वैल्यू आपका ये हो गया। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का बैलेंस जो है वो लिखना पड़ेगा। इनका बैलेंस कितना है, इनका बैलेंस आपका बनेगा 7,000 का, 63 और 56 का बैलेंस, तो ये आएगा 7,000। तो ये हम लोग एक अलग से एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। अभी देखो कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, ये अगर आपका मार्केट वैल्यू छोटा है तो ही इसका एंट्री करना है, अदरवाइज इसका एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम अभी 31 मार्च को क्रेडिट साइड जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फेस वैल्यू में डैश, कॉस्ट में डैश, सॉरी इंटरेस्ट में डैश और कॉस्ट में 7,000। ये कहाँ से लाया, अभी जो हमने कैलकुलेट किया वही हमको करना है। अभी बहुत ही सिंपल है, टोटल कर लो, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे भी हमारा टोटल 1 लाख, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो 1 लाख में से 30,000 गया, मतलब इधर बैलेंसिंग फिगर मिलेगा आपको 70,000, दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। तो इसको सर्कल कर रहा हूँ, इंटरेस्ट का हम बाद में बैलेंसिंग फिगर ढूंढते हैं, चलो कॉस्ट का कर लेंगे। इसका टोटल आएगा 91,500, इसका भी टोटल आएगा 91,500, इसमें से आप अगर ये सब माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 56,000 एज बैलेंसिंग फिगर। 31 मार्च है, इसके पहले कब मिला था, जनवरी, तो जनवरी, फेब्रुवरी और मार्च, 3 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट ढूंढना है। किस पे ढूंढना है, ये 70,000 पे। तो कैसे ढूंढेंगे, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 1050। फिर आपको क्या करना है, टोटल करना है इंटरेस्ट कॉलम का। तो इंटरेस्ट कॉलम का यहाँ पे टोटल आएगा 5,300 क्रेडिट साइड का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,300 में से ये 1,000 गया, तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा इंटरेस्ट कॉलम 4,300 एंड दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दिस इज द कैलकुलेशन। इतना सॉल्व करने का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ आपको ओवरऑल डेट्स वाइज प्रॉपर जाना है, वर्किंग नोट प्रॉपर बनाना है। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इसके पहले मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व किए हुए बनाए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व फॉर्मेट में मिलेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, इसको आप प्रॉपरली खुद सॉल्व करके एक बार देखिए, बिकॉज चार चार इंटरेस्ट के अगर डेट्स आएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज हुए थे इसलिए बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था। बट दिस क्वेश्चन वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी ईजी अगर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करते। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन, बाय बाय।